जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। कलाम साहब कहा करते थे, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। दोस्तों, क्या आप यह सोचकर बहुत परेशान हो जाते हो कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप दूसरों से अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप विफल होते जा रहे हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के 5 टिप्स लेकर आया हूँ। टिप नंबर 1, अपनी खूबियों को एक सूची में लिखें। अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ, मेरे में क्या सबसे अलग है। इस सवाल के जवाब एक सूची में लिखें और बाद में खुद की सराहना करें। जितना ज़्यादा आप ऐसा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। टिप नंबर 2, एक सूची बनाइए और उसमें लिखें कि आप क्या बनना चाहते हो। अपने आप से पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को अपनी सूची में लिखिए। जैसे जैसे आप अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप उत्साहित होंगे। टिप नंबर 3, खुद के लिए दिन में 30 मिनट निकालें। जैसे आप दूसरों से रिश्तों के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही आपको अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। आप अपने लिए निकाले गए इस समय में बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि संगीत सुनना, लंबी पैदल यात्रा, सोचना, व्यायाम इत्यादि। टिप नंबर 4, अपने डर के बारे में जानें। अपने डर के बारे में जानने और फिर बाद में उसका सामना करने से आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। डर का सामना करने से आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं। टिप्स नंबर 5, आज खुद के लिए कुछ अच्छा करें। यह आपकी ज़िंदगी है, यह उतनी ही अच्छी बनेगी जितना आप प्रयत्न करेंगे। हर एक दिन खुद के लिए कुछ अच्छा काम करें जिससे आपकी खुशी मिलती हो। जैसे कि आप अपने आप को खुश करने के लिए पार्क में घूम सकते हैं, शीशे में अपने आप को देखकर हंस सकते हैं। ऐसा करने से आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।